हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं आप लोगों के लिए काली माँ के कलेक्टिव ब्लेसिंग्स। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये डायरेक्टली काली माँ की तरफ से आपके साइन है और हम देख लेंगे कि माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या बोल रहे, कौन से गाइडेंस दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो और मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। एंड द लास्ट थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के बाप हरिणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्कार। काली तारा महाविद्या सरस्वती भुवनेश्वरी वैरवीच नमस्ता चौ विद्या धुमावती दत्ता पगल सिद्ध विद्या चौ मातंगी कमलत्तिका एक दस महाविद्या सिद्ध विद्या पकड़ता। आपके पास्ट के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपके पास्ट के लिए मैसेजेस आए हैं मातंगी माँ, तो डेफिनेटली माँ काइंड ऑफ आपको देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपने क्रिएटिव फ्लो में वापस आ रहे हो। माँ देख रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। माँ देख रहे हैं कि रिजेक्शंस के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक आज माँ आपको हौसला बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास जो पावर है उस पावर को स्वीकार कीजिए, आपके क्रिएटिविटी को आगे लेके जाइए। ऑफ़ कोर्स आप लोगों को मदद कीजिए, बट साथ ही साथ एक हाई सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कीजिए। काइंड ऑफ माँ आपको हील कर रहे हैं रिजेक्शंस की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे थे या फिर कोई पेनफुल एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है पास्ट में, वहाँ से आपको माँ मुक्ति दिला रहे हैं। नो मातंगी माँ आउटकास्ट्स के देवी है, यू नो, जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं मातंगी माँ उनको एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ पे समाज को नहीं लगता है कि कुछ अच्छा चीज़ है, वहाँ पे मातंगी माँ अच्छा चीज़ को डिस्कवर करते हैं। तो माँ आपके अंदर एक स्पेशल ब्लेसिंग्स को डिस्कवर कर रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि यू आर वर्दी। माँ आपको बोल रहे हैं कि खुद को छोटा मत समझो। माँ आपको बोल रहे हैं कि भले लोग समझ नहीं पा रहे आपके ग्लो को, बट माँ को पता है आप कितना ब्लिसफुल हो और आप कितना खूबसूरत हो। इनर ब्यूटी के बारे में माँ आपको फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। एट द सेम टाइम समाज के रीति रिवाज को फॉलो आप कम करिए, आप अपने तरीके से सोचिए, आप कंडीशन फ्री होके सोचिए, आपके क्रिएटिव पावर को आप लिमिटेड मत रखिए। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आप जो सोच रहे हो मन के अंदर उसको लेके आज आपको काम करनी है। जिसको जो कहना चाहते हो वो बात को कहिए, जो आपका इमेजिनेशन से उसको आप यूज़ कीजिए, क्योंकि मातंगी माँ को हम लोग तांत्रिक सरस्वती बोलते हैं। तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ कीजिएगा आज। हो सकता है कि आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो सकता है कि यू नो आप चाहते हो कि सिचुएशंस में यू नो सिचुएशंस इम्प्रूव हो जाए और आप चाहते हो कि यू नो आपको लोग वैल्यू दे। यस, ये पॉसिबल है तब जब आप अपने मैजिक को डिस्कवर कर पाओगे। तो आज माँ बोल रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। लाइफ में अभी भी चांस आपके पास है, अभी भी कुछ चीज़ आप मिस नहीं किए हो। आपकी यूनिक क्रिएटिव नेचर आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। तो ऐसा है कि अगर आप समाज के अंदर फिट होने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो माँ आपको बोल रही है कि बाहर से वैलिडेशंस मत ढूंढो, आप अंदर से परफेक्ट हो। और यू नो आपको किसी और के यस और नो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उनको आपको समझना है एंड आपको आगे बढ़ना है। काइंड ऑफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पर्सन आपको डिसरेस्पेक्ट किए थे वो आपको याद कर रहे, वो वापस आ रहे, वो सॉरी बोलेंगे। काइंड ऑफ एक ब्रोकन रिलेशनशिप सुधर सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपके सामने सामने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है या फिर आप डर रहे हो किसी सिचुएशंस को लेके, तो माँ आपको बोल रही है कि आप आसानी से उस सिचुएशंस को कवर कर सकते हो, उस सिचुएशंस को आप उस सिचुएशंस में आप जीत सकते हो एंड आप अपने लाइफ के जो पास्ट पेन है उसको रिमूव करके आगे बढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपका एक सेल्फ लिमिटेड
थॉट्स आपको रोक रहा है, लाइक आप ही खुद अपने दिमाग में एक एक बाउंड्री को क्रिएट किए हो, एक डर को लेके चल रहे हो, आज वक्त है कि आप फियर फ्री हो जाइए। आज वक्त है कि आपके जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है कि मैं ये नहीं करूँगा, या फिर ये करना खराब है, या फिर यू नो ये करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सब जो डाउट्स जो कन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे हो ना, ये कन्फ्लिक्ट्स को हटाइए, सिर्फ क्रिएटिव हो जाइए। आपके पास जो पावर है उस पावर को लेके काम कीजिए, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। कहीं ना कहीं मदद आपके पास है और उस मदद को आपको ढूंढना है। आप उस मदद को इग्नोर नहीं कर सकते हो, या फिर उस मदद को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आज जितना भी छोटा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आपके सामने उसको यूज कीजिए, जितना भी आपको लग रहा है कि कम है उसको लेके ही चलिए। आपके पास जो रिसोर्स है वो काफी है, टाइम सही टाइम पे आपको पता चल जाएगा। सो आप खुद को भी रिजेक्ट नहीं कीजिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं कीजिए, छोटे से छोटे चीज़ को ट्राई करते रहिए, अपने अंदर यूनिकनेस को बढ़ाते रहिए, और आप जो मन में सोचते हो उसी को बाहर भी फील कीजिए और उसी को शो कीजिए। काइंड ऑफ ऐसा है कि आप खुद को छुपाइए मत, आप खुद के क्रिएटिविटी को छुपाइए मत, जो आप सोच रहे हो उसको बोलिए, क्योंकि मातंगी माँ आपके बाक सिद्धि के बारे में फोकस करे। तो जिस तरीके से आपका इंट्यूशंस कह रहा है, जिस तरीके से आपका मन जो गट फीलिंग है वो कह रहा है, उसको सुनिए और आप परफॉर्म करते रहिए। रोकिए मत, मन के खिलाफ मत जाइए, ओके, दिल के खिलाफ मत जाइए। जो आपका मन कह रहा है उसको सुन के आप अपने सोल जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, क्रिएटिव हो जाइए, क्रिएटिव फ्लो को मत रोकिए। खास करके अगर आप कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कोई म्यूजिक सीखना चाहते हो, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो कम्युनिकेशन इज द की टू योर सक्सेस, और आप कम्युनिकेट करके कोई भी सिचुएशंस को हील कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि कम्युनिकेशंस गैप हो रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है, तो माँ आपको बोल रही है कि पास की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप खुद खत्म कर देंगे, या फिर आपको पता चल जाएगा कि पास में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में माँ क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं। प्रेजेंट में आपका एडवाइस आया है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट हु यू आर। तो काइंड ऑफ एक ब्राइट साइकिल आ रहे हैं, आप लाइफ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ग्रोथ आएगा, यू आर नाउ रेडी टू गो फॉर समथिंग न्यू। तो माँ आज आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ को स्टार्ट करनी चाहिए, मन का बात कहनी चाहिए, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, या फिर लाइफ के एक ऐसे इंटीग्रल पार्ट पे जा रहे हो जहाँ पे आप कुछ नए चीज़ करना चाहते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आप चाहते हो कि आप अगर ये क्वेश्चंस माँ से पूछ रहे थे कि क्या आप एक सिक्योर लाइफ आपको मिलेगा, क्या आप एक सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ इज सिग्निफाइंग दैट येस, नाउ यू आर फाइनली अंडरस्टैंडिंग, ऑफकोर्स यू आर क्लोजिंग अ चैप्टर and also you are opening another chapter. So basically क्या हो रहा था कि due to karmic reason, so karmic baggages की वजह से कुछ काम बंद हो गया था, कुछ लोग चले गए थे, या फिर कोई जगह से आपको rejections मिला था। अब आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। यू आर क्लोजिंग वन डोर, सो लाइक ऐसा हो सकता है कि आप सोचे थे कि एक पर्टिकुलर जगह पे आप जॉब करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर वे में आप काम करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर डोमेन में आप काम करेंगे, बट अब आपको पता चल रहा है कि उस पर कुछ नहीं होने वाला है, आपको शायद कुछ नए ट्राई करना होगा। और अगर आप कुछ नए चीज़ ट्राई करते हो, अगर आप मूव ऑन करके कोई नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, या फिर आप हमेशा से जो सोच रहे हो उस फ्लो को आगे लेके जाते हो, तो आपके सक्सेस मिलेगा। कहीं ना कहीं ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ आपको कह रहा है एक ही चीज़ कि शायद आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, शायद आपके फैमिली आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, तो शायद आप अपने अंदर के पावर को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए क्या हो रहा था कि चीज़ों के पीछे आप नहीं भाग रहे थे, या फिर आप अपने लिमिटेड परसेप्शन से कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। बट ये प्रूव हो चुका है कि कुछ काम जिस तरीके से आप चाहने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जिस तरीके से उस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो उस तरीके से नहीं होने वाला है। तो काइंड ऑफ आज आप अपना पथ को चूज करोगे, अपने पथ को खुद डिस्कवर करेंगे, एंड आप अपना पथ को क्रिएट करोगे। एंड ऑफकोर्स आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी हार्डशिप्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको रोक रहा था उसको माँ रिमूव कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना रहे थे, या फिर एक पॉइंट पे आप चूज करके लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना रहे थे, या फिर किसी पॉइंट को लेके, किसी काम को लेके, किसी पर्सन को लेके आप एकदम फिक्स्ड हो गए थे, और इसीलिए आपका लाइफ स्टक हो गया था। तो आज आपका मैसेज है
कि अगर आप जॉब चाहते हो या फिर अगर आप काम करना चाहते हो, सीरियसली कुछ करना चाहते हो, तो ये मत समझो कि आप जो चाह रहे हो वही होगा। ये समझो कि आपके सामने कौन से अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। इस टाइम पे नेगोशिएशंस की ज़रूरत है, इस टाइम पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, इस टाइम पे आपको समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स के खिलाफ नहीं, यूनिवर्स के साथ काम करना है। ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब एक बैलेंस, साथ ही साथ एक चैप्टर को क्लोज करना है या फिर वो चैप्टर शायद क्लोज हो जा रहा है, बिकॉज उस चैप्टर में आपको जो भी मिला वो एक लर्निंग लेसन की तरह आपको लेना है। सो लाइक ऐसा है कि आप इन्वेस्ट किए कोई काम पे और अब जाके आपको पता चल रहा है कि नो इट वॉज नॉट एन वाइज इन्वेस्टमेंट, या फिर वो कुछ खास नहीं बना, या फिर एक रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था। आप होपफुल थे कि कुछ होगा, बट काइंड ऑफ आज मैं आपको डिसाइड करने के लिए बोल रही कि देखिए आपके सामने चीज़ें एकदम क्लियर है, कितना दूर आप जा सकते हो ये भी आपको पता है। सो अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, सच में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, तो कुछ चैप्टर्स को बंद करना ही सही होगा आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस को रीगेन आप खुद कर पाओगे और एक फ्रेश स्टार्ट करने का ज़रूरत है। ये फ्रेश स्टार्ट आपको एक नए मोमेंटम पे लेके जाएंगे। सो आज अगर आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट से कुछ काम करने वाले हो, या फिर अगर आप ये सोच के काम करने वाले हो कि नहीं आप सही हो, या फिर आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से ही होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दूसरों के स्ट्रैटेजी को देखना चाहिए, एंड ये समय आपको क्या करने के लिए बोल रहे इसको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप रिजिड होंगे तो आप खुशियों मिलने से खुद को रोकेंगे। इस टाइम पे मैं आपको बोल रही हूँ कि खुद को पुश कीजिए, जो इजी वे है उसको चूज कीजिए, शॉर्टकट्स को अपनाइए, या फिर आपको अगर लगता है कि आप कोई काम को सबसे बेटर कर सकते हो तो करिए। इस टाइम पे सेल्फ डाउट का कोई जगह नहीं है, इस टाइम पे खुद को रेस्ट्रिक्ट करने का कोई जगह नहीं है, इस टाइम पे कुछ पास्ट को लेकर चलने का जगह नहीं है। रादर रिलीज योर कार्मिक बैगेजेस, रिलीज योर पास्ट एंड यू विल इवेंचुअली गेट द बेस्ट थिंग। एक बहुत बड़े मिरेकल्स आ रहा है, इसके लिए क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। तो आर यू रेडी, माँ के हिसाब से आप रेडी हो, बट क्या आप फील करते हो आप रेडी हो? तो आज हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है, डिप्रेशन अगर था तो डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो आप, बट क्यों, कहीं ना कहीं मन से पुराने सोच, पुराने इनसिक्योरिटीज को आप कंप्लीटली रिमूव कर रहे हो और आपके मन में एक हौसला एक मन में एक फीलिंग्स आ रहे हैं कि माँ आपके साथ है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास्ट में भी माँ है, आपके प्रेजेंट में भी माँ है और फ्यूचर में भी माँ रहेंगे। सो पास्ट से लेके फ्यूचर तक माँ आपको गाइड करेंगे, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ को सीरियसली नहीं, क्रिएटिवली लीजिए, लाइफ के अगेंस्ट नहीं, लाइफ के फेवर में आप काम करिए। कहीं ना कहीं आपको कोई रोक रहा था या फिर कोई बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स आपको रोक रहा था कुछ खुशियों को अचीव करने के लिए, या फिर आप जा नहीं पा रहे थे, फुल फ्लेजेडली आप प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपका तबीयत खराब हो रहा था, या फिर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, फाइनली एक कार्मिक बैगेज रिलीज हो गया। तो आज से आप फ्री हो, आज आप अपने हाईएस्ट मैनिफेस्टेशंस की ओर जा सकते हो। मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि एक ब्राइटेस्ट फेज स्टार्ट हुआ है। याद रखिए मार्क्यूरी रिट्रोग्रेड भी खत्म हो गया है। सो आई थिंक रिलेशनशिप इशू हो या फिर आपके पर्सनल कुछ प्रोफेशनल इशूज हो, वो काइंड ऑफ रिजॉल्व हो रहा है और फाइनली क्लैरिटी आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ उस चीज़ को आपको समझा देंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क आपको पास में लग रहा था कोई काम, अब आसान लगेगा। शायद पैसा आपको नहीं मिल रहा था या फिर आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत कम रिटर्न मिल रहा था, अब धीरे धीरे आपको इक्वल रिटर्न, इक्वल जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का बात है तो ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल विक्ट्री मिल सकता है, या फिर कहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हो, या फिर एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको मिल सकता है। खास करके जितना हो सके समय जो बोल रहा है आपको उसको फॉलो करके चलिए। मतलब मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि आप एक जगह पे मेट्रो रेल पकड़ के जाएंगे, बट लेट हो गया है और फिर भी आप बैठे हो कि नहीं मेरे आपको मेट्रो से ही जाना है, तो उस टाइम पे अगर कोई आपको लिफ्ट दे रहे हैं या फिर उस टाइम पे अगर आपको क्विकली जो चीज़ मिल रहा है उसको यूज़ कीजिए। तो आई फील कि अपने गोल के करीब पहुंचने के लिए आपके लिमिटेड आइडियाज़ नहीं,
समय जो दिखा रहे हैं, समय जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, उसको आज आपको यूज करनी है. लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा, एंड रिजल्ट्स कैसा रहेगा आपका. लेट्स सी माँ क्या बोल रहे हैं आपके एंड रिजल्ट्स के लिए. वाओ कुंडलिनी अवेकनिंग, मतलब आपको यू नो अब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है और यू नो आपको साफ पता चल रहा है कि कौन से वैल्यू को आपको लेके चलनी है. आई थिंक आपका शक्ति जो है ना, पावर जो है ना, वो स्पिरिचुअल पावर बोल सकते हैं, मेंटल पावर बोल सकते हैं, आज इंक्रीज होगा. वाइब्रेशंस को फील करेंगे क्योंकि पास्ट लाइफ का शक्ति इस लाइफ में ऐड हो रहा है. तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपको किसी ने रोक के रखा था या फिर कार्मिक बैगेजेस की वजह से आप अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे थे. लाइफ बदल गया था, अचानक लॉस हो गया था. आज से आप धीरे धीरे यू नो ब्रेक थ्रू के ओर जाने वाले हो. यू नो आप डिस्कवर करने वाले हो अपने खुद के पथ. आप डिस्कवर करने वाले हो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि आई फील आपके मन से पता चल जाएगा कि आप सही पथ पे हो. सो डेफिनेटली आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सही पथ में हो ये बात पता चल रहा है. जो भी वीक फाउंडेशन है, जो भी गलत चीज है, वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जा रहा है. सो डेफिनेटली आज जजमेंट डे आप बोल सकते हो. कोई चीज आपके लाइफ में रहेगा, कोई चीज परमानेंटली आपके लाइफ से जा रहा है और यू नो आपको वो एहसास हो जा रहा है कि यस वो चीज गलत था. गलत प्रैक्टिस हो सकता है, गलत पर्सन हो सकता है, गलत जॉब हो सकता है, जो भी चीज था वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा चीज नहीं था. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स फ्रीडम. सो कोई भी चीज अगर आपका फ्रीडम को रोकता है वो कभी भी अच्छा चीज नहीं हो सकता है. सो हो सकता है कि वो एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो या फिर किसी के एडवाइस हो. द कुंडलिनी शक्ति मतलब सच बाहर आ रहा है. किसका सच? आपका जीवन का सच. क्या है सच? कि आपको क्या करना चाहिए, क्या है आपके सोल पथ, कि क्यों आप इस जन्म में आए हो, क्या है आपके सोल रूट, क्या है आपके सोल डीएनए, क्या था आपके पास लाइफ. सो कहीं ना कहीं एक सपना, एक रिपीटेड नंबर्स, एक दोस्त, एक पॉडकास्ट, एक वीडियो, एक रीडिंग, यू नो सब डॉट्स को क्लियर कर देंगे. आप एक सुपर ब्यूटीफुल ओल्ड सोल हो, आपके पास इंट्यूटिव पावर है, आपके पास मैजिक है. बट उस मैजिक को अगर आप यूज नहीं करेंगे और बोलेंगे कि नहीं आई डोंट बिलीव इन मैजिक, आई डोंट बिलीव इन पावर, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको जो मिलने वाला था वो बहुत लेट आपको मिलेगा. सो जब आप अवेकेंड हो जाते हो ना, तब आपके अंदर एक 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 ऊर्जा आ जाता है. तब आपको पता चलता है कि डिवाइन आपको एक जगह पे लेके जा रहे हैं. तो लाइफ में जो भी होता है वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है और हाईएस्ट गुड के लिए होता है. नाउ कई कबार क्या होता है कि हम लोग हमारे ईगो ड्रिवन एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम सही, दूसरे लोग गलत, या फिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा. सिंपल बात है, हम हर चीज को मोरली देखते हैं, एथिकली देखते हैं, बट ये नहीं पता करते हैं कि हो तो रहा है ईश्वर की इशारा में. तो कहीं ना कुंडलिनी शक्ति मतलब जो विल पावर को आप सेल्फ ईगो ड्रिवन होके यूज कर रहे थे, अब सरेंडर करके वो सेम विल पावर को यूज करेंगे. यू नो सिंपल बात है, जिस चीज को आप खुद क्रेडिट दे रहे हो कि ओके आई हैव वर्क्ड हार्ड एंड देन दैट्स व्हाई आई हैव अचीव्ड इट, तब आप बोलेंगे कि शायद ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने दिया था, इसीलिए मैंने काम किया और हुआ. तो आई थिंक कि एक मैसिव अवेकनिंग आ रहा है कि क्या आप नहीं कर पा रहे थे, क्या आप गलत कर रहे थे, या फिर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर क्या आपको समझना चाहिए. और ये अवेकनिंग अंदर से आता है. सो एक खराब रिलेशनशिप आप फिर भी लेके चल रहे हो, ये सोच के चल रहे हो कि चलो सेफ हूं. बट जब आप अवेकेंड हो जाते हो तब आपको क्या पता चलता है कि सेफ के चक्कर में आपका फ्रीडम मिस हो रहा है. एक खराब जॉब आप हो, क्यों हो, कंफर्ट जोन में आ चुके हो. आपको भी पता है इस पे कोई ग्रोथ नहीं है, बट अवेकनिंग जब आप आ जाता है आपके अंदर, तब आपको क्या पता चलता है कि ग्रोथ रुक रहा है. तो ग्रोथ के लिए आपको चेंज करना है. ओके एक यू नो जॉबलेस होके बैठे हो, क्यों बैठे हो, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है. बट अवेकनिंग जब आता है तब क्या है, आप उस तरीके से ट्राई नहीं कर रहे हो, आप एक रिजिड जॉब के लिए ही वेट कर रहे हो. सो आप नेगोशिएट करना नहीं चाहते हो. अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो तो इस टाइम पे आपको जॉब चाहिए, नॉट दैट पर्टिकुलर सैलरी टाइप जॉब, क्योंकि वो बाद में मिल जाएगा. तो दैट इज अवेकनिंग. तो इस समय में आपको जो काम करना चाहिए वो काम आप
करेंगे. सो व्हाटएवर द वर्क यू आर सपोज टू डू, यू आर फाइनली गोइंग टू डू दैट. पहले क्या कर रहे थे, हो सकता है खुद को रोक रहे थे, खुद को ना बोल रहे थे, खुद को आप अलग तरीके से समझा रहे थे, या फिर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है. बट जब कुंडलिनी अवेकेंड हो जाते हैं तब कोई भी ठीक कोई भी गलत ऐसा नहीं हम लोग बोलते, तब जो समय के लिए सही लगता है उस समय को फॉलो करके चलते हैं. अ मैसिव ब्रेक थ्रू आ रहा है, अ मैसिव जॉय इज अबाउट टू एंटर, क्योंकि हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट कुंडलिनी अवेकनिंग. सो इस टाइम पे जॉय हैप्पीनेस आ रहा है और आपका फियर कंप्लीटली परमानेंटली बाहर जा रहा है आपकी लाइफ से. सेल्फ लिमिटेड बिलीफ आपको इतना दिन से कैद करके रखा था, आज से आप फ्री हो और माँ आपको एक लाइसेंस दे रहे हैं कि लाइसेंस टू थ्रिल. सो बेसिकली क्या है कि आप बहुत वीक हो गए थे, यहाँ पे हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, किसी के अचानक कॉल और मैसेज आ सकता है, लाइफ ऑटोमेटिकली एक सेटल्ड हो रहा है, लाइफ का जो संतुलन बिगड़ गया था अब वो चीज धीरे धीरे वापस आ रहा है. हो सकता है कि आपके अंदर इंटरनल चेंज का जरूरत था, कुछ ब्रेक लिए थे आप, एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू आर कमिंग बैक टू योर लाइफ. ब्रेक से बाहर, मतलब ब्रेक से आप वापस आ रहे हो लाइफ में. तो आई थिंक ये जॉब लॉस, सेपरेशंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, कुछ भी डरावने एक्सपीरियंस आप डार्क नाइट ऑफ द सोल आप महसूस कर रहे थे, बट नाउ यू आर स्लोली कमिंग बैक. आज से, अभी से, इस रीडिंग के बाद से आपको यू नो आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ आप नहीं कर रहे थे. वेल, शायद आप नहीं कर रहे थे डर के वजह से, बट आपको डीप इन इनसाइड आपको पता था कि वो सिर्फ एक डर है, बट आपको करना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, नहीं तो आप जिस बड़े काम के लिए इस ब्रह्मांड में आए हो वो नहीं मिलेगा. तो आप अपने डर को लेके चल रहे थे, सेफ होने की कोशिश कर रहे थे, बट अब आप फ्री हो जाओगे, आप फ्रीडम को एक्सेप्ट करोगे, डिवाइन असिस्टेंस को लेके आप आगे बढ़ोगे. दैट इज इट. आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बन, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर All your love and support. Of course, live streaming में करता हूँ afternoon में. Please आप लोग आइएगा and enjoy कीजिएगा, and also keep watching my videos. Bye bye. Take care. All the best. Jai Maa Kali. Jai Maa Matangi.